Hey guys, how's the Josh? मैं हूँ चेतन from Gaming Josh और ये है Realme UI 3.0 का gaming features का comparison with the Realme UI 2.0 and OnePlus का जो game mode होता है उससे हम एक comparison करने वाले हैं। Last video में मैंने आपको Realme UI 3.0 के सारे features के बारे में बताया था, gaming features के बारे में, tech features obviously मतलब पूरे के पूरे UI के बारे में। अगर आपको जानना हो तो हमारे tech channel पर जाइए और इसका कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे डिस्कशंस होते हैं, काफ़ी सारे यूजर्स एक्टिवली वहाँ पर बात करते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली बात आपको दिखा दूँ, ये है Realme GT जो स्नैपड्रैगन 888 के साथ आ रहा है और यही एक फ़ोन है जिसमें सबसे अर्ली एक्सेस मिल रहा है Realme UI 3.0 का। और यहाँ पर हमने Realme UI 3.0 का जो ट्रायल वर्जन है वो इंस्टॉल कर दिया है। देखिए यहाँ पर Realme UI 3.0 वर्जन अप टू डेट एंड इट्स बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12। अब यहाँ पर गेमिंग में क्या चेंज हुआ है, इसके अंदर गेमिंग के अंदर चेंज हुआ है कि गेम स्पेस उड़ा दिया गया है और यहाँ पर गेम्स नाम का ऐप आ चुका है। अब इसको मैं कंपैरिजन पहले तो आपको वन प्लस नॉट 2 के साथ दिखा दूँ। नॉट 2 में भी सेम सीन यहाँ पर आप देखोगे, इट्स द सेम गेम्स ऐप जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इट्स गोइंग टू बी द सेम। अब इससे पहले क्या था ना Realme UI 2.0 में, मतलब पहले क्या था, इज द सेम जो अभी यहाँ पर है Realme UI 2.0 में, दिस इज द Realme X7 Max। X7 Max में आप देखोगे यहाँ पर गेम स्पेस नाम का एक एप्लीकेशन है, वो रहेगा जो हमने सारे के सारे Realme के स्मार्टफोन्स में अभी तक देखा है, सारे जो भी Realme के स्मार्टफोन्स थे इससे पहले। और इसमें ये जो फीचर्स थे अबाउट द परफॉर्मेंस मोड और वो सब, वो अब यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो गेम्स वाला एप्लीकेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब इट्स डिफरेंट फ्रॉम द Realme गेम स्पेस। और डिफरेंसेस में क्या है, ये तीन चीज़ें जो थी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तीन चीज़ें हैं, दी लो पावर मोड, बैलेंस्ड मोड और प्रो गेमर मोड। तो ये आपको बैटरी एफिशिएंसी में हेल्प करता है, बैटरी सेव करता है, जब भी आप लो पावर मोड में रखते थे बैटरी कम है तो परफॉर्मेंस कम भले करते हैं बट आपको बैटरी ज़्यादा स्पेंड ना करे उसका वो ख्याल रखता था। बैलेंस मोड में सब कुछ बैलेंस तरीके से आता था। और प्रो गेमर मोड इज़ फॉर दोज जो FPS गेम्स खेलते हैं और जिनको एक खतरनाक परफॉर्मेंस चाहिए था, वो यहाँ पर होता था। इससे फ़ोन ज़्यादा हीट भी होता था और बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन होती थी, बट इन दी एंड आपको क्या है, परफॉर्मेंस बेटर मिलता था। ये चीज़ें जो है वो निकाल दी गई है अब Realme UI 3.0 के अंदर। 3.0 के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द सेम, ये दोनों में सेम है, वो देख लो आप यहाँ पर, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो ये जो नया इंटीग्रेशन है OnePlus के UI का इन द Realme UI का गेमिंग पार्ट, आई वुड से इट्स गुड। वो जो चीज़ है वो गायब हो चुके हैं, वो आप देख लो। और एक दो चीज़ें गाइस यहाँ पर आप देखो, नाम थोड़े बदल दिए गए हैं, लाइटनिंग स्टार्ट क्विक एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली प्लेड गेम्स, ये जो नाम है और उसका फंक्शनैलिटी है उसका नाम बदल गया, बस क्विक स्टार्टअप है इसका नाम यहाँ पर, अदरवाइज इट्स द सेम थिंग। गेम फोकस मोड ना पहले भी Realme के अंदर होता था, अब अगर हम बताएं यहाँ पर गेम के अंदर जाके तो इसका जो यहाँ पर ये है, यस यहाँ पर अगर आप देखो गेम फोकस मोड नाम का जो फीचर है, दिस इज़ द गेम फोकस मोड, इसका शॉर्टकट पहले ऐसे होता था। और गेम फोकस मोड आपको करता क्या है, वही चीज़ करता है जो यहाँ पर गेम फोकस मोड इसके अंदर करेगा। तो अगर हम इसके अंदर जाएंगे Realme GT के अंदर और आपको गेम फोकस मोड के अंदर का फीचर्स दिखा दूं मैं, तो ये रहा, इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। तो अलार्म्स बंद हो जाते हैं, नोटिफिकेशंस बंद हो जाते हैं, क्विक सेटिंग्स बंद हो जाता है, बाकी चीज़ें भी थोड़ी उड़ जाती हैं। सो इट्स इन अ वे द सेम थिंग, कोई फ़र्क नहीं है, बट नाम थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा जब हम OnePlus का कंपेयर करेंगे Realme के साथ। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो गेम फोकस मोड को छोड़ के यहाँ देखोगे तो उसको प्रो गेमिंग मोड, पहले फैनाटिक मोड भी बोलते थे उसको, बट अब इसको यहाँ पर OnePlus में बोलते हैं प्रो गेमिंग मोड और इसमें बोलते हैं उसको गेम फोकस मोड। और गाइज Realme UI के अंदर जो टूल किट था, गेमिंग का टूल किट था, वो काफ़ी अलग है। OnePlus का छोड़ ही दो गाइज, OnePlus का भूल जाओ क्योंकि OnePlus का क्या है, इट्स गोइंग टू बी द सेम एज Realme। तो मैं आपको दिखा दूँ पहले तो यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा पहली बात तो, बट वो बाद में देखते हैं, इट्स द सेम थिंग एनी वे। यहाँ पर अगर हम Realme और OnePlus का देखें तो Realme UI 2.0 और Realme UI 3.0, 3.0 और 2.0 के अंदर के अगर हम डिफरेंसेस देखें तो देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट थिंग इज दैट आपको यहाँ पर जो UI है उसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं वो तो गायब हो चुकी हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो आपको सिंगल मोड रहेगा परफॉर्मेंस का, विच इज़ इन अ वे मैं कहूँगा अगर OnePlus का इंटीग्रेशन हुआ है साथ में तो परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी, क्योंकि आपने पहले भी देखा है OnePlus के डिवाइसेस में ज़्यादा रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती ही है। अब वो चीज़ें ये उड़ा दी गई है, काफ़ी लोगों को जिनको बैटरी सेव करनी होती है कभी कभी और कैजुअल गेमिंग करना होता है उनको ये फीचर मिस हो जाएगा लो पावर मोड का, जो इसमें आपको अवेलेबल अब नहीं रहने वाली Realme UI 3.0 में। उसके अलावा ना गाइस, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं मैं FPS कैसे देखूं क्योंकि मैं गेम खेलते वक्त मुझे पता नहीं चलता कि मेरा फ़ोन लैग हो रहा है नहीं हो रहा है, वो फील होता है कि लैग हो रहा है बट पता नहीं क्योंकि FPS नहीं देखता।
वो एक चीज अब यहां पर रियलमी ने ऐड कर दी है अपने फोन के अंदर, अपने यूआई के अंदर, विच इज कॉल्ड दिस सिस्टम स्टेटस। यहां पर जो आपको एफपीएस सीपीयू जीपीयू यूसेज दिख रहा है, सीपीयू जीपीयू एंड एफपीएस, वो यूसेज यहां पर आपको अब इन गेम दिख जाएगा। ये क्या है, आपको हर बार ट्राई करना पड़ता है, यहां पर वो ऐसा चीज है ही नहीं जो जिसे आप ये एनेबल कर पाओ। अब यहां पर वो एनेबल हो चुका है सिस्टम स्टेटस, और ये आप गेम खेलो कहीं भी रहो यूआई के अंदर, तो आपको ये एफपीएस ऊपर आते रहेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिनको जो गेमिंग में है और जिनको हर बार देखना होता है कि यार अभी लैग हुआ और फ्रेम ड्रॉप हुआ तो बंदे अराउंड आ रहे हैं, वो बहुत हेल्प करता है गाइस। वो तो मैं पर्सनली बता सकता हूँ, मैंने जितना खेला है, जब भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा फ्रेम ड्रॉप हुआ है, देन यस इस टाइम पे बंदे अराउंड आ रहे हैं। तो ये एफपीएस मॉनिटर ऐड होना एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मैं कह सकता हूँ यहाँ पर है। एंड रियल में यूआई एंड 2.0 3.0 में एक अच्छी चीज है जो चेंज नहीं हुई है, दैट इज इनसाइड द स्क्रीन रिकॉर्डिंग गाइस। तो स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर हम जाएंगे तो आपको अगर याद हो, नहीं ये वो नहीं है, इसका स्क्रीन रिकॉर्डर है ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो ये रियलमी यू आई 3.0 के अंदर का स्क्रीन रिकॉर्डर, और ये रहेगा रियलमी यू आई 2.0 के अंदर का स्क्रीन रिकॉर्डर जो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। अब देखो 3.0 इज ऑन द राइट, 2.0 इज ऑन द लेफ्ट। 3.0 के अंदर ये चीज जो है वो सेम ही मेंटेन हो रही है, विच इज दोनों आप सिस्टम साउंड और माइक्रोफोन साउंड को साथ में रिकॉर्ड अभी भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो वन प्लस के फोन्स में होती है, बाकी किसी भी एंड्रॉयड फोन में होती है कि आप एदर सिस्टम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो एदर माइक्रोफोन, दोनों में से एक ही। बट रियलमी यू आई के फोन्स में ही एक पॉसिबिलिटी थी कि आप दोनों कर सकते हो। तो थैंकफुली इवन दो वन प्लस के फीचर्स इसमें आ चुके हैं, रियलमी ने ये चीज़ नहीं उड़ाई, वो एक बहुत अच्छी बात है। जब आप गेम्स रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई पीओवी रिकॉर्ड कर रहे हो अपने गेम प्ले का, अगर आप खुद कॉल्स बहुत सारे दे रहे हो तो आपके कॉल्स पर रिकॉर्ड होना बनता है। काफ़ी आपने देखे होंगे यूट्यूबर्स को जो रिकॉर्ड करते हैं बट उनके टीममेट्स का साउंड आता है, खुद का साउंड आता ही नहीं है, बिकॉज वो यहाँ पर इसको डिसेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज़ कर रहे हो। आईओएस में दोनों पॉसिबल है बट आईओएस का बजट ही अलग है। अब उसके अलावा गाइस फ्रेम रेट्स की अगर हम बात करें, फ्रेम रेट्स तो डिवाइस टू डिवाइस डिपेंड करता है। रियलमी 2.0 में थोड़े फोन्स में 60 का पॉसिबिलिटी था, यहाँ पर डायनेमिक है उसमें शायद 60 हो जाए बट पता नहीं, यहाँ पर तो 60 का ऑप्शन आपको दिख रहा है, मिल रहा है, वो एक अच्छी बात है। अब रिकॉर्डिंग में ही गाइस अगर आप 90 FPS खेल रहे हो और रिकॉर्ड कर रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तब वो 60 पे गिर जाएगा, और वो दोनों फोन्स पे सेम है गाइस। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पर ऑन कर दूँ एंड अब सिस्टम स्टेटस को ऑन कर देता हूँ, तो ये रहा 3.0 के आपके सामने डेमो। अब यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दूँ इसका, ये रहा। अब दोनों में स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब हम ऑन करेंगे, यहाँ पर देख लो आप, दोनों में जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और आपको सिस्टम स्टेटस दिखाता हूँ, इवन तो दोनों 90 पे थे, अब दोनों का आप देखोगे कि FPS इज गोइंग टू 60। तो यहाँ पर आप देख लो FPS इसका भी 60 के आसपास है, यहाँ पर भी FPS 60 है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त इसका UI 60 Hz पे जाके गिरता है, नॉट ऑन 90। तो वो एक सिमिलैरिटी दोनों UIs में है और दोनों में वो एक डिसएडवांटेज मैं कह सकता हूँ, बट अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको 60 पे ही खेलना पड़ेगा, या नहीं तो 90 पे खेल लोगे तो भी आउटपुट नहीं आएगा, वो याद रख लो। तो विदाउट रिकॉर्डिंग खेलोगे तो आपको 90 FPS आपको मिल जाएगा। एंड UI 3.0 का एक एडवांटेज ये यहाँ पर आ चुका है कि UI 3.0 में रियलमी GT में एटलीस्ट 90 FPS अनलॉक होने के साथ साथ, अनलॉक तो पहले था भी, अब अनलॉक के साथ इसका आउटपुट भी 90 है, जो आप देख रहे हो यहाँ पर लाइव 90 FPS जो दिख रहा है आपको, दैट इज़ विदाउट एनी टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ भी किए बिना 90 FPS का यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है, बस आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो हम इसका जो वीडियो बनाने वाले हैं UI 3.0 के गेमिंग का, वो रहेगा हैंड कैम के साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें मैं अगर रिकॉर्डिंग कोई भी कर लूँ, एक्सटर्नल स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ट्राई किया है, उससे यहाँ पर 90 FPS नहीं हो रहा, तो सीधा 60 पे आके गिरता है। तो विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम हैंड कैम वीडियो करेंगे आपको दिखाने के लिए कि परफॉर्मेंस कैसा है, बट ऑब्वियस सी बात है गाइज दिस इज द मेजर डिफरेंस। ये जो टच ऑप्टिमाइजेशन वाला सीन है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टच ऑप्टिमाइजेशन इज गोइंग टू बी द सेम, मतलब यूआई में जो लुक एंड फील का डिफरेंस आता है ना वो है ही, डिजाइन डिफरेंस है काफी, बट इन दी एंड फीचर्स सेम ही है टच ऑप्टिमाइजेशन में। बट ये जो टूल किट के अंदर की चीजें हैं, जो सिस्टम स्टेटस वाली चीज है, वो जो एडिशन हुई है वो एक बहुत ही अच्छी एडिशन है। बस जिनको ये सीन एक था, मतलब प्रो गेमर मोड, बैलेंस मोड, लो पावर मोड का, वो एक यहाँ पर निकाल दिया गया यूआई 3.0 के अंदर। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस गाइज, जो रियलमी यूआई 2.0 और 3.0 के बीच में डिफरेंसेस देखना चाहते थे अबाउट द गेमिंग मोड एंड गेमिंग फीचर्स। अगर आप सोच रहे हो आगे जाके आपके पास GT जैसा फोन है, या X7 Max है, या GT मास्टर एडिशन है, किसी एक फोन का सोच रहे हो कि भाई मैं कर दूं अपडेट जब भी अपडेट आएगा,
तो परफॉर्मेंस का तो हम बताएंगे आपको अलग से, बट यूआई के हिसाब से मैं बोलूंगा आप कर दो, क्योंकि एफपीएस मॉनिटर मिलना एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है यहाँ पर, और वैसे बाकी ज्यादा डिफरेंस दूसरी चीजों में नहीं है यहाँ पर। सो दैट्स इट गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना भूले, सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग जोश को। कीप द जोश आए, सी यू नेक्स्ट वीडियो।